पोली वर्सेस बार्सलोना सेकेंड लेग ऑफ द यूएफआर यूरोपा लीग पहले लेग में वन वन का ड्रॉ आया था जहां पे बार्सलोना शुड हैव वन दैट गेम और इस बार ये नेपल्स में होगा डिओगो अर्मांडो माराडोना स्टेडियम पे एंड लुसियानो पेलिटी कहते हैं कि इस बार माराडोना उनके साथ है वाह wow, भाई साहब प्लीज़ यार ऐसी डरावनी बातें मत करो यार बिकॉज ऑब्वियसली मारोडोना दोनों ही क्लब्स के हमारे लेजेंड रह चुके हैं तो जितना वो आपके साथ है उतना ही वो हमारे साथ भी हैं सो हैविंग सेड डैट आज यार बड़ा मतलब सच बताऊं तो यार भाई लोग डर लग रहा है मतलब मुझे डर लग रहा है सच बता रहा हूँ बिकॉज अगर ये टाइटल अगर इस मैच को हम नहीं जीतते हैं देन विल बी आउट ऑफ यूरोप दुनिया में मजाक बनेगा अगेन विल बी बैक मतलब एक फुट फॉरवर्ड एंड टू स्टेप बैक वही वही वाला चीज़ हो जाएगा हमारे साथ फिर से बट एक चीज़ है यार बी एड एनी थिंग ज्यावी के अंदर आपको वो दोबारा से ना वो पुराना वाला स्टाइल का एक स्पार्क और एक ग्लेम्स एक जरूर से दिखता है दैट वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू इज रेमिनिसेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो हम करते थे एंड जावी से पोस्ट मैच प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि बादशाह का अप्रोच क्या होगा इस मैच में एंड इज लाइक कि हमें डोमिनेट करना है हमें बॉल रखना है अपने पास विच वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज सामने नापुले इज अ वेरी फिजिकल टीम एक हाई इंटेंसिटी गेम और एक फास्ट पेस पर पे खेला जाएगा मैच उसने आगे कहा कि आई थिंक इट विल बी अ फुटबॉलिंग वॉर अंटिल वी गेट होल्ड ऑफ दी बॉल तो भाई तुम समझ रहे हो वॉर होने वाली है नापोली इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले बिकॉज उनको पता है कि इस मैच में भी देर आर अ बिट डाउट्स है कुछ कुछ की प्लेयर्स के ऊपर एंड इस वीडियो में वील टेक अ लुक एट एवरीथिंग टीम शीट के बारे में करेंगे फॉर्म के बारे में बात करेंगे प्लेयर्स कौन कौन से खेलने वाले हैं लाइनअप क्या होगा किस हिसाब का अप्रोच रखना चाहिए बारसोना को एंड नापोली को सबके बारे में बात करेंगे बट बिफोर लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज इस one football application. it's a terrific footballing application and i personally recommend you guys to download it on your mobile phones if you want to stay in touch with all the latest news surrounding football, if you want to keep yourself updated with everything that is in football happening right now because there are our latest articles that you can read and you can understand football in a better way. there are information about your team, about the latest matches that are going on. the fixtures are updated every day. you can get to have the live commentary, live team sheet, the stats over there.

मतलब कि उनको आइडिया है कि उनको करना क्या है बार के क्या अगेंस्ट बट यहाँ पे एक सिंपल सी बात है दैट दे हैव वन की प्लेयर मिसिंग अंगुइसा इज मिसिंग फ्रॉम दिस टीम एंड डी लोरेंजो को भी पिछले मैच में एक हेड की इंजरी हुई थी बट कहीं ना कहीं स्पेलिटी ने बोला यार कि ही वुड बी फिट टू प्ले एंड एक और एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहां कि पिछले गेम में नापोली के इन सीग्ने केम ऑफ विद एंड ऐसा हुआ था कि वो हो सकता है अवेलेबल ना रहे भारसा के गेम के लिए बट भाई लुसियानो पेलेटी ने बोला कि इन सीने वुड बी स्टार्टिंग एंड ऑल्सो पोलिटानो की भी एक न्यूज है दैट ही माइट ऑल्सो रिटर्न फॉर दिस गेम तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइनअप दिखा देता हूं ये है लाइनअप मेरा दोनों टीमों का यहां पर नापोली की बात मैं करूँ अगर तो मेरिट गोल में रकमानी एंड क्यूली बाली डी लोरेंजो एंड जुआन जयसूस

वो वो काम उस इफेक्टिवनेस से नहीं कर पाता तो यहां पे रूइस के ऊपर भी थोड़ा सा डिफेंसिव जॉब उसके भी शोल्डर पे पड़ेगा एंड जिलेंसकी के ऊपर अब जॉब पड़ेगा टू डू दैट क्रिएटिविटी ऑब्वियसली ओवर हेयर एंड ओसीमेन एंड ड्रीस मोर्टिस् मैंने ड्रीस को स्टार्ट कराया नॉट इन सिंगे बिकॉज मुझे जहां तक लगता है कि इन सिंगे विल स्टार्ट फ्रॉम दी बेंच पोलिटानो भी बेंच पे होंगे अब बात आती बारसा की कि कि किसक स्टार्ट करोगे किसको नहीं जैसे कि यहां पे जावी ने बोला कि फरहान बहुत सारे मैचेस खेला हुआ है एंड ही माइट बी टायर्ड तो मुझे ऐसा लगता है कि गावी आज के मैच में खेलेगा वुड उपमैंग अलॉन्ग नॉट नॉट्रावरे मुझे लगता है कि डेम्बेले की पिछ पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से आई बिलीव दिस गाय शुड गेट दी स्टार्ट अच्छा खेला था इसने वेलेंसिया के अगेंस्ट बार्सलोना का भाई अब तक का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था यावी कहता है कि उसको नापोली वाले गेम ज्यादा बेहतर लगा था तो यार अब या ऑब्वियसली दैट्स ही इज यावी मिड की अगर बात करूं मैं तो डी योंग एंड पेडरी एंड बुस्केट्स अगेन यू लास्ट में कि भाई बुस्केट्स फिर से क्यों पिछले मैच में भी खेला था नापोली के गेम में उससे पहले ही नहीं वो नहीं खेला था बट भाई मैं बता दूं तुम्हें अगर इस मैच में हमें कुछ करना है अगर बुस्केट्स अपने फॉर्म पे है जैसे उसने नाबुली का अगेंस्ट खेला तो भाई बुस्केट्स वुड बी वेरी क्रिशियल इन दिस गेम बिकॉज डिओ को फिर मोबिलिटी मिलेगी कैन गो अप टॉप एंड ही कैन स्कोर जैसे कि उसने वेलेंसिया का अगेंस्ट लास्ट टाइम आउट किया एंड पेड्री इज अ मस्ट

ऑब्वियसली मैंने मैच नहीं देखा मैंने हाईलाइट से की थी एंड मैंने काफी सारी रिपोर्ट पढ़ी तो साफ साफ यही बात है दी वो पुअर दे वो नॉट ऑन दि मार्क बट यार यही तो वो लेवल है चैंपियंस लीग का यूरोपा लीग का जिसमें टीम अपना सब कुछ देती है जितना इंपॉर्टेंट यह हमारे लिए है गेम उतना ही इंपॉर्टेंट यह उनके लिए भी है गेम लास्ट मैच में विक कैप्ट विक्टर और सिमियन क्वेट और सिमियन यहां पर दोनों डिफेंस के बीच में जब भी, भी रन मारना चाहता था विक कॉट हिम ऑफ साइड प्लेंटी ऑफ टाइम्स एंड गावी वॉज इंस्ट्रूमेंटल पेडरी वॉज इंस्ट्रूमेंटल एंड सबसे बड़ा मिस था हमारे लिए दैट फरान तोरेसिस के जो चांस

याद है कि कि यू गाइस सेड 60 70 लोग थे बात डिबले शुड स्टे एंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट तो यार अब आई डोंट नो यू कैन लेट मी नो इफ यू वांट टू सी डिबेले इन द टीम और नॉट एंड सेकंडियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्रावरे पिच नीको कम इन द पिच एंड भाई कुछ तो बेनिफिट होगा हमें बाकी यार यहां पे सामने टीम को कम नहीं समझना है नापोली ऑन द डे कैन सरप्राइज यू और अगेन हमने इसको एक मैच में क्वार रखा दो मैच में बैक टू बैक रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो आई बिलीव की गोल फिर से मारेंगे बट बारसा विल स्कोर टू तो गोल्स डेफिनेटली तो गोल। बिकॉज वी आर प्ले गुड आई एम एक्साइटेड जितना डर लग रहा है उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट भी है मुझे एंड आई बिलीव इन माई टीम गाइज सो वॉर्ड यू थिंक लेट मेरी आल सी यू गैस वेरी स्टूडेंट इन आज ऑलवेज विस्कै एंड पीस आउट